हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई विल टीच यू क्लास फोर्थ फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउन। प्रोनाउन आप सबने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया कि नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी सर्वनाम। अब प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें काइंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन है सबसे पहले, जो प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस की जगह यूज होती है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसकी भी 3 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप इसको मेरी वीडियो को पॉज करके इजीली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन कहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद आता है इसमें नंबर में, अ पर्सनल प्रोनाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल, दोनों हो सकता है, और अ पर्सनल प्रोनाउन मे बी ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद हमारा आता है मैस्कुलिन में, जैसे आपको एग्जांपल में भी ये भी दिखा दिया है साथ में, ही हिज हिम होता है। फेमिनिन में शी हर, न्यूट्रल जेंडर आपको पता है इट इट्स, और मैस्कुलिन और फेमिनिन जब दोनों आ जाते हैं तो आई वी यू योर अवर ये सब हो जाते हैं। इसके बाद इसमें साथ में केस भी यूज होता है। ए पर्सनल प्रोनाउन में सर्व एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और पोजेशन, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस में हम कैसे इसको यूज करते हैं, आप ये भी इजीली इसको वीडियो को मेरी देख सकते हैं, कैसे आपको समझ इससे अच्छे से और आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, इसमें समझाया है आपको डिटेल में, जैसे पर्सन, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन में जैसे आता है नॉमिनेटिव केस में आई वी, और पोजेसिव केस में उसी का हो जाता है माई और माइन, ऑब्जेक्टिव में हो जाता है मी और अस। ठीक है, सेकंड पर्सन में आता है यू, उसका हो जाता है योर, योर्स और यू हो जाता है। फिर थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव में आता है ही, शी, इट, दे, और पोजेसिव में हो जाता है हर, हिज, हर्स एक्सेट्रा, और ऑब्जेक्टिव में उसी का हो जाता है हर, हिम, इट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देन, एट्सेट्रा आर यूज ऑन द, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजिशन। ऑब्जेक्ट पोजिशन पर ही हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन्स जो होते हैं, सब मी, यू, हिम, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसेस शर्मा टीचिज अस इंग्लिश, है ना, तो इसमें अस, और मोहन गेव मी दिस वॉच, ये क्या है आपके मी और अस जो है पर्सनल प्रोनाउन्स है। ठीक है, ओके, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफर्स टू और रिफ्लेक्ट्स अपॉन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट ऑलवेज टेक्स द प्लेस ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्ब एंड अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी रिफ्लेक्स जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट किसको करता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रश्मि इज डूइंग हर होमवर्क हर सेल्फ, यानी उसके बारे में ही बता रहा है, रश्मि के बारे में ही बता रहा है, हर सेल्फ जो है ना अपना काम अपने आप को कर रही है। पवन इज ड्राइविंग द कार हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ यूज हुआ है पवन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद है एम्फेसिस प्रोनाउन, वी मे यूज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस इन ए सेंटेंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं एम्फेसिस करने के लिए सेंटेंस को। ठीक है, जैसे ही हिमसेल्फ मेड द पेंटिंग, उसने खुद ही ये पेंटिंग बनाई, द हाउस इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हिमसेल्फ और जो इटसेल्फ यूज हुए हैं एम्फेस करने के लिए हुए हैं। ठीक है, एम्फेसिस में हम इसको यूज करते हैं एम्फेसिस। इस पर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू पॉइंट आउट थिंग विच आर रेफर टू एट ए डिस्टेंस और क्लोज बाय, जो कि मतलब कुछ डिस्टेंस पर होती है कोई चीज़, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको, दर्शाता है उस प्रोनाउन को, पॉइंट आउट करते हैं जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती है कोई चीज़ या क्लोज हमारी होती है उसको बताते हैं। जैसे दीज आर स्पैरोज, दिस इज ए ब्लैक डॉग, अब इसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि दीज आर स्पैरो, ये स्पैरोज हैं और एक ब्लैक डॉग है। ठीक है, तो दिस और दीज जब यूज करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए यूज में आता है, आर दोज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, एंड आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब, और मतलब वर्ब से पहले आता है और क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो उसके लिए यूज होता है। जैसे हुज इज दिस वॉच, ठीक है, ये हुज है, विच इज रेनूज बुक, तो हुज और विच इसमें आपके क्या हो गए, आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, टॉक अबाउट द थिंग्स, ओके, दैट बिलोंग टू पीपल और एनिमल्स, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो बिलोंग करते हैं पीपल और थिंग्स के बारे में, जैसे कि
माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एट्सेट्रा. जैसे दिस इज माई साइकिल, दिस साइकिल इज माइन. अब माई और जो माइन यूज किया है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन, यानी आपको बता रहा है उसके बारे में कि मेरी साइकिल है. इसके बाद सिंगुलर में हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को. आई मी, ठीक है, आई मी का ओके क्या हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन में, माइन. प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी और अस. और पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा अवर्स. देख लीजिए आप और अच्छे से सो क्लियरली. इसके बाद आता है यू, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, योर्स, फिर यू, फिर योर्स, ये आप देख सकते हैं इसमें. इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन टेल्स अस दैट ईच पर्सन इन ग्रुप इज डूइंग द सेम थिंग, यानी वही चीज सेम कर रहा है ग्रुप में कोई भी पर्सन है टू द अदर पर्सन, जो कि अदर पर्सन कर रहे हैं वही चीज वो भी कर रहा है जो ग्रुप में और पर्सन कर रहे हैं. जैसे रवि एंड मनीषा सिट नेक्स्ट टू ईच अदर. अब ये जो ईच अदर यूज हुआ है ना इसमें आपका, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है. इस तरह से हमने ये सब नाउन्स को यूज किया है इसमें.